स्वागत है जन सरोकार मंच पर आपका। प्रशांत जी अच्छे कवि, लेखक और चिंतक हैं और काफी सक्रिय हैं इन दिनों आप सर। और विशेषकर लिखावट के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी तो आप ही के पास है। सर आपकी कविताएं सुनते हैं आज। शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय देवेन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जन सरोकार मंच पर कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले भी कई बार मैं यहाँ पाठ कर चुका हूँ और एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं प्रशांत जैन, मुंबई से। मैं पहली कविता अपनी शुरू करता हूँ। समस्या उत्तर का न मिलना नहीं, समस्या उत्तर का न मिलना नहीं, ये शीर्षक है। उत्तर का न मिलना नहीं, चित्त में प्रश्न का न उठना है ज्यादा बड़ी समस्या। उत्तर का न मिलना नहीं, चित्त में प्रश्न का न उठना है ज्यादा बड़ी समस्या। उत्तर तो हर प्रश्न का मिलता भी नहीं, यथा मानव के आदि प्रश्न, मैं कौन हूं, अस्तित्व क्या है आदि अनुत्तरित हैं आज तक। जिनकी जागृत रहती है अंतः प्रज्ञा, उन्हें उद्वेलित करते हैं ये प्रश्न, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर है दुसाध्य। मिल भी जाए यदि किसी को, कहते हैं वह नहीं रह जाता मानव ही, हो जाता है जीवन मुक्त। और जिसे नहीं मिलता उत्तर, वह प्रश्नाकुल मानव जीता है अपनी मानवीयता के साथ उत्तर की तलाश में। जिनकी जागृत रहती है चेतना, उनके मानस में उठते हैं ये प्रश्न कि मानव किस तरह है पशु से भिन्न, आखिर क्यों कहा गया है जिसे मचते हैं ऐसे प्रश्न, जीता है वह भी अपनी मानवीयता के साथ मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए। जिनकी जागृत रहती है संवेदना, उनके प्रश्न भी नहीं कम महत्वपूर्ण, मानव मानव में भेद क्यों है, एक शोषित दूसरा शोषक क्यों है, शासक बहुधा अमानव क्यों है। जिसके चित्त में उठते हैं ये प्रश्न, जीता है वह भी अपनी मानवीयता के साथ ही, रहता है संघर्षरत, रहता है संघर्षरत न्याय एवं समत्व के लिए। उत्तर भले ही न हो हासिल, उत्तर भले ही न हो हासिल, सफलता भले ही हो दूर की कौड़ी, चित्त में उठने वाले ये प्रश्न ही काफी हैं मानव को मानव बनाए रखने के लिए। जिन्हें नहीं व्याप्ते ये प्रश्न, उग आते हैं उनके पैने सींग, बढ़ आते हैं बनैले दांत और नाखून, मात्र काया होती है मानव की, किंतु चरित्र एक अमानव का, और उनके निशाने पर होते हैं तमाम प्रश्नाकुल मानव, और उनके निशाने पर होते हैं तमाम प्रश्नाकुल मानव। उन प्रश्नहीनों के कुकृत्यों में बहुधा सहभागी होते हैं वे भी, जिन्हें व्याप्ते तो हैं ये प्रश्न गाहे बगाहे, मगर उनके लिए प्रेय हैं मात्र आहार निद्रा भय और मैथुन, और श्रेय नहीं मानवीयता। उन प्रश्नहीनों के कुकृत्यों में बहुधा सहभागी होते हैं वे भी, जिन्हें व्याप्ते तो हैं ये प्रश्न गाहे बगाहे, मगर उनके लिए प्रेय हैं मात्र आहार निद्रा भय और मैथुन, और श्रेय नहीं मानवीयता। सो मित्र, समस्या उत्तर का न मिलना नहीं, चित्त में प्रश्न का न उठना, या उठने पर स्वयं के ही द्वारा प्रश्न का नकारा जाना है ज्यादा बड़ी समस्या। समस्या उत्तर का न मिलना नहीं, चित्त में प्रश्न का न उठना, या उठने पर स्वयं के ही द्वारा प्रश्न का नकारा जाना है ज्यादा बड़ी समस्या। ये पहली कविता थी, थोड़ी लंबी होगी, ज्यादा लंबी भी नहीं थी, 3 मिनट की थी। अब मैं अगली कविता सुनाऊं, थोड़ी पर्यावरण को संबोधित है। इंसान आदि ही ठीक था, इंसान
आदिम ही ठीक था। मनुष्य की ये शीर्षक था, मनुष्य की तथाकथित सभ्यता का आधार है लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक। अगर मेरा बस चले खींच लूं मनुष्य के पांवों तले से यह जादुई कालीन कि जिसके दम उड़ रहा है वह अर्निश असभ्यता के आकाश में। मनुष्य की तथाकथित सभ्यता का आधार है लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक। अगर मेरा बस चले खींच लूं मनुष्य के पांवों तले से यह जादुई कालीन कि जिसके दम पर उड़ रहा है वह असभ्यता के आकाश में अहर्निश। अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले दूं दुनिया के नाम विलासितापूर्ण काष्ठ उपस्करों को हरे भरे पेड़ों में, बदल दूं दुनिया के तमाम विलासितापूर्ण काष्ठ उपस्करों को हरे भरे पेड़ों में। अगर मेरा बस चले कारों मशीनों और इमारतों के लोहे को भर दूं वापस धमन भट्टियों में और चला दूं उन्हें उल्टा कि बदल जाए लोहा अपने अयस्क में, फिर भेज दूं उसे धरती के गर्भ में जहां से आया था। अगर मेरा बस चले समेट लूं दुनिया का तमाम प्लास्टिक, बदल दूं उसे वापस पेट्रोलियम में और पहुंचा दूं धरती की अतल गहराइयों में कि जहां है उसका करोड़ों साल पुराना घर। अगर मेरा बस चले समेट लूं दुनिया का तमाम प्लास्टिक, बदल दूं उसे वापस पेट्रोलियम में और पहुंचा दूं धरती की अतल गहराइयों में कि जहां है उसका करोड़ों साल पुराना घर। अगर मेरा बस चले बदल दूं तमाम कीमती पोशाकों को पत्तों के पैरहन में कि इंसान आदिम ही ठीक था। अगर मेरा बस चले बदल दूं तमाम कीमती पोशाकों को पत्तों के पैरहन में कि इंसान आदिम ही ठीक था। सभ्य होकर पृथ्वी का बहुत नुकसान किया, यही थीम थी। अगली कविता है कालचक्र, इसका शीर्षक है। अब इसमें थीम यह है कि भाई सबको अपने पुराने धर्मस्थल दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास नहीं है, किसी और के कब्जे में है या जो भी, और उनको वापस लेने की कोशिशें हो रही हैं। तो फिर बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो वापस होनी चाहिए। अब देखिए ज़रा इस कविता में, कालचक्र शीर्षक है। किसी धर्म का कोई स्थल विशेष, किसी धर्म का कोई स्थल विशेष किसी जमाने में किसी और धर्म का था, किए जा रहे हैं इन दिनों ऐसे सही गलत दावे अनगिनत, और उरूज पर हैं कोशिशें कि हासिल कर ली जाए फिर से तमाम अपनी हकीकत। किसी धर्म का कोई स्थल विशेष किसी जमाने में किसी और धर्म का था, किए जा रहे हैं इन दिनों ऐसे सही गलत दावे अनगिनत, और उरूज पर हैं कोशिशें कि हासिल कर ली जाए फिर से तमाम अपनी हकीकत। यह देख उम्मीद जागी है किसानों में, यह देख उम्मीद जागी है किसानों में कि शायद अब खाली करा लिए जाएं शहर जो बसे हैं पुरखों की खेती की जमीनों पर, और लौटा दिए जाएं उनके खेत जिन्हें लील गए हैं दर्जनों एक्सप्रेसवे औने पौने दामों पर, जो खदेड़ दिए गए हैं जंगलों में गहरे, जो खदेड़ दिए गए हैं जंगलों में गहरे बांधों खदानों या उद्योगों के लिए, सोच रहे हैं वे आदिवासी भी कि शायद अब पा सकेंगे वापस अपने जल जंगल और जमीन, कि शायद अब पा सकेंगे वापस अपने जल जंगल और जमीन। पहाड़ों पर भी खिलाए हैं आशा के आदिम फूल, पहाड़ों पर भी खिल आए हैं आशा के आदिम फूल कि अब खत्म होगा उनके उदर में डायनामाइट के विस्फोटों का सिलसिला, जंगलों का हरापन भी हो गया है कुछ गहरा कि अब तराई में फिर लहलहाएंगे उनके पुरखे नया जन्म लेकर, जंगलों का हरापन भी हो गया है कुछ गहरा कि अब तराई में फिर लहलहाएंगे उनके पुरखे नया जन्म लेकर। हिमालय की तराई पूरी साफ हो गई है, ये रेफरेंस। खुश हैं नदियां भी, खुश हैं नदियां भी कि हटा लिए जाएंगे अब तमाम तटबंध और बह सकेंगी वे अपनी सदियों पुरानी दिशाओं में। पशु पक्षियों की आंखों में है नई चमक, पशु पक्षियों की आंखों में है नई चमक कि कट गई उम्र काल कोठरी से जंगलों में, अब उन्हें भी मिलेगी उनके हक की जमीन और कुछ बड़ा आकाश। कुल मिलाकर कालचक्र यदि घुमा ही दिया जाए उल्टा सच्चे अर्थों में तो शायद यह वरदान ही होगा धरती के लिए। कुल मिलाकर कालचक्र
यदि घुमा ही दिया जाए उल्टा सच्चे अर्थों में, तो शायद यह वरदान ही होगा धरती के लिए। ये कविता थी प्रेम, अगली कविता का शीर्षक। लेकिन ये कोई प्रेम कविता नहीं है, थोड़ा सा अलग संदर्भ है। जी सकता हूं मैं मात्र कुछ पल यदि नहीं मिले प्राणवायु, जी सकता हूं मैं मात्र कुछ पल यदि नहीं मिले प्राणवायु, जी सकता हूं मैं मात्र कुछ दिन यदि नहीं मिले अन्न जल, जी सकता हूं मैं मात्र कुछ दिन यदि नहीं मिले अन्न जल, जी सकता हूं मैं पूरी आयु यदि नहीं मिले प्रेम का प्रतिदान मुझे उन सभी से जिनके साथ है या रहा है मेरा संबंध कभी, जी सकता हूं मैं पूरी आयु यदि नहीं मिले प्रेम का प्रतिदान मुझे उन सभी से जिनके साथ है या रहा है मेरा संबंध कभी, नहीं जी सकता मैं एक पल भी यदि रोका जाए मुझे प्रेम करने से अपने ही जैसे मनुष्यों से, नहीं जी सकता मैं एक पल भी यदि रोका जाए मुझे प्रेम करने से अपने ही जैसे मनुष्यों से। तो ये कविता थी प्रेम। अब जो है अगली कविता, दो कविताएं हैं ज्ञान शीर्षक से, दो कविताएं हैं नंबर एक और नंबर दो, इम्पोर्टेंट ज्ञान, दो कविताएं। पहली कविता है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता तुम्हें ऐतराज नहीं होता, और जब कहता हूं कि तुम भी कुछ नहीं जानते तुम बिफर पड़ते हो, और जब कहता हूं कि तुम भी कुछ नहीं जानते तुम बिफर पड़ते हो। मैं शर्त लगा सकता हूं इस बात पर, मैं शर्त लगा सकता हूं इस बात पर कि मेरी ही तरह तुम भी कुछ नहीं जानते, ना हो अगर यह स्वीकार चलो पूछ लें किसी से, ना हो अगर यह स्वीकार चलो पूछ लें किसी ज्ञानी से, किसी ऐसे ज्ञानी से जो मानता हो कि वह कुछ नहीं जानता, किसी ऐसे ज्ञानी से जो मानता हो कि वह कुछ नहीं जानता। और ज्ञान दूसरी कविता। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूं वह परम सत्य है, तुम चाहो तो इसे अंतिम सत्य भी कह सकते हो, तुम चाहो तो इसे अंतिम सत्य भी कह सकते हो। मेरी इस बात पर संभव है तुम मुझे अहंकारी समझो, किंतु सत्य यही है कि जो बात मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, किंतु सत्य यही है कि जो बात मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। और वह बात यह है कि बहुत कुछ जानने के बाद भी बाकी रह जाता है सब कुछ, और वह बात यह है कि बहुत कुछ जानने के बाद भी बाकी रह जाता है सब कुछ जो जाना नहीं गया, कि अंजूरी भर जल निकाल लेने से समुद्र का जल कम नहीं हो जाता, कि अंजूरी भर जल निकाल लेने से समुद्र का जल कम नहीं हो जाता। तो ये कविता है सूरज चांद और नेता, सूरज चांद और नेता। उगता है सूरज रोज सुबह चुपचाप, उगता है सूरज रोज सुबह चुपचाप, बिना किसी गाजे बाजे के, बिना किसी गाजे बाजे के, जैसे कोई पिता उठता है हौले से रोजी पर जाने के लिए, या उठती है कोई माँ धीमे से कि खुल न जाए बच्चे की नींद, कि उसे बनानी है रोटी पति के लिए, कि उसे बनानी है रोटी पति के लिए। सूरज को नहीं कोई अहंकार कि पृथ्वी को है उसकी दरकार रोशनी के लिए, चांद भी जब उगता है नहीं होता कोई शोर शराबा, जब हमें होती है खबर आसमान में उसकी मौजूदगी की, हो चुके होते हैं तब तक हम चांदनी में सराबोर, चांद को भी नहीं अहंकार कि पृथ्वी को है उसकी दरकार चांदनी के लिए, चांद को भी नहीं अहंकार कि पृथ्वी को है उसकी दरकार चांदनी के लिए। मगर खूब है लोकतंत्र, मगर खूब है लोकतंत्र कि आता है जब एक नेता वर्षों बाद अपने क्षेत्र में, आती है सबसे पहले चीखती हुई पायलट कार, फिर गाड़ियों का काफिला, लाठियां भांजती सुरक्षा और दर्जनों उपकृत पत्रकार,
तिस पर भी वह देता नहीं एक किरण भी आशा या विश्वास की, तिस पर भी वह देता नहीं एक किरण भी आशा या विश्वास की, उल्टे फैला जाता है भेद और घृणा का अंधेरा जहरीली तकरीरों से, उल्टे फैला जाता है भेद और घृणा का अंधेरा जहरीली तकरीरों से। अब मैं थोड़ी अलग फ्लेवर की एक दो कविताएं सुनाता हूं। मुक्तिदाता शीर्षक है। हे विश्वगुरु, हे विश्वगुरु, ऋणी हैं हम आपके, ऋणी हैं हम आपके कि हम अपने अज्ञान के अंधकार में भी नित्य उत्सवित हैं। आपने हमारे लिए अनेक काल्पनिक शत्रु गढ़े और हमें उनके प्रति वास्तविक घृणा सिखाई। मूढ़ता के महिमा मंडन के महीन गुरु भी हे महात्मन हमने आपसे ही सीखे। अब हम मुक्त हैं गुरुदेव ज्ञान प्राप्ति की झंझटों से, और हे आर्य योग्यता भी तो चाहिए ज्ञान का भार उठाने के लिए। हमारी स्थिति दुर्योधन सी थी कि हम ज्ञान को जानते थे किंतु उसमें हमारी प्रवृत्ति न थी। हमारी स्थिति दुर्योधन सी थी कि हम ज्ञान को जानते थे किंतु उसमें हमारी प्रवृत्ति न थी। सो ज्ञानियों को देख कुंठित होना हमारी नियति थी, सो ज्ञानियों को देख कुंठित होना हमारी नियति थी। किंतु हे स्वामिन, किंतु आपने हे स्वामिन इस कुंठा से हमें मुक्त किया। अज्ञान के अंधकूप में डूबते उतराते हम किंकरों को सर उठाकर तैरना सिखाया। आपकी ही पावन प्रेरणा से अज्ञान को हमने अपना कंठहार बनाया। आपकी ही पावन प्रेरणा से अज्ञान को हमने अपना कंठहार बनाया। हे नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, हे मुक्तिदाता, आपकी जय हो। हे नरश्रेष्ठ, हे मुक्तिदाता, आपकी जय हो। एक कविता और मैं सुनाऊं। अवस्थिति, थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड साइंस। अवस्थिति इस कविता का नाम है। गतिमान वाहन की खिड़की से दिखाई देती हैं चीजें निकट की, पीछे की ओर गतिमान, कुछ दूर की स्थिर और दूर की चलती हुई साथ साथ, जबकि हर चीज की रहती है वही अवस्थिति। गतिमान वाहन की खिड़की से दिखाई देती हैं चीजें निकट की, पीछे की ओर गतिमान, कुछ दूर की स्थिर और दूर की चलती हुई साथ साथ, जबकि हर चीज की रहती है वही अवस्थिति। वैसे देखा जाए तो गतिमान वाहन के साथ मैं कहाँ रहता हूँ गतिमान, वैसे देखा जाए तो गतिमान वाहन के साथ मैं कहाँ रहता हूँ गतिमान। गतिमान रहता है मात्र मेरा प्राकृत शरीर, सीमित गति से निश्चित दिशा। गतिमान रहता है मात्र मेरा प्राकृत शरीर, सीमित गति से निश्चित दिशा में, और गतिमान रहता है अनंत गति से मन, अनिश्चित दिशाओं में अविराम। और गतिमान रहता है अनंत गति से मन, अनिश्चित दिशाओं में अविराम। इन यथार्थ एवं आभासी गतियों के बीच, इन यथार्थ एवं आभासी गतियों के बीच चेतना की हाय नहीं कोई होती उद्गति। चेतना की हाय नहीं कोई होती उद्गति, रहती है प्रायः वही उसकी अवस्थिति, जो है जन्मना या कदाचित जन्म जन्मांतर से। इन यथार्थ एवं आभासी गतियों के बीच चेतना की हाय नहीं होती कोई उद्गति, रहती है प्रायः वही उसकी अवस्थिति, जो है जन्मना या कदाचित जन्म जन्मांतर से। तो ये कविताएं थी, आप सभी ये दर्शकों का आभार की बहुत ध्यान से आपने कविताएं सुनी, और मुझे भी बड़ा आनंद आया आज कविता पाठ। धन्यवाद जन सरोकार मंच का, धन्यवाद एक बार फिर।